गुमला डीसी सुशांत गौरव के निर्देश के बाद सोमवार को बसिया बीडीओ रविंद्र कुमार गुप्ता ने कोनबीर स्थित ग्रामीण जलापूर्ति योजना का निरीक्षण किया, जिसके बाद बीते दो वर्षों से बंद इस योजना से कोनबीर, भागी डेरा आदि के लगभग 500 उपभोक्ताओं को गर्मी में पानी मिलने की उम्मीद जगी है। बंद पड़े इस योजना से पानी सप्लाई शुरू कराने की मांग सोशल मीडिया के माध्यम से की थी। बता दें कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग व पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक प्रमंडल गुमला के लापरवाही का खामियाजा कोनबीर भागीडेरा के आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार 2.5 करोड़ की लागत से कोनबीर में निर्मित ग्रामीण जलापूर्ति योजना का मोटर जलने के कारण मार्च 2020 से पानी की सप्लाई बंद थी, जिसके बाद उसी साल दिसंबर महीने में मोटर व अन्य सामग्री लगाने को लेकर पेयजल व स्वच्छता यांत्रिक प्रमंडल द्वारा 22 लाख का टेंडर जारी किया गया, जिसके बाद मोटर तो लगा दिया गया पर ना ही इंटेक वेल की सफाई की गई, ना ही ह्यूम पाइप की मरम्मत की गई, जबकि ठेकेदार रांची इलेक्ट्रिकल को भुगतान भी कर दिया गया। वही खुद पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक प्रमंडल गुमला के कार्यपालक अभियंता पीसी दास का कहना था कि बिना इंटेक वेल की सफाई के मोटर लगाने का कोई फायदा नहीं है। इधर पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल गुमला के कार्यपालक अभियंता ने भी ह्यूम पाइप की मरम्मत व इंटेक वेल की सफाई को लेकर मुखिया को पत्र जारी कर अपना पल्ला झाड़ लिया था। मिली जानकारी के अनुसार अब 89,000 से इंटेक वेल की सफाई व यूम पाइप की मरम्मत के लिए प्रकलन भी तैयार कर लिया गया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।